केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यक्रम में विभिन्न मांगों के बयानों की भेंट रही। सुबह से ही बड़ी संख्या में नागरिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे थे। इस अवसर पर सहानुभूति, स्थानांतरण जैसे विषयों के साथ साथ सड़क की मांग को लेकर भी नितिन गडकरी को वक्तव्य दिया गया। जुपिटर स्कूल के पास खामला में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के लोग अपनी समस्या को लेकर नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा लोगों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी मंत्री से मुलाकात कर रखी। इसमें खासकर तबादले, अनुकंपा पर नौकरी, नई सड़कों को लेकर लोगों ने बयान दिए हैं। गडकरी ने बयानों को स्वीकार किया और लोगों की बात सुनी। इसके साथ ही नागरिकों ने सीवरेज, बिजली कनेक्शन आदि को लेकर भी शिकायतें की। दिव्यांग भाइयों ने कृत्रिम अंगों के लिए आवेदन किया। किसी को पैर की जरूरत है तो किसी को हाथ की। उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश गडकरी ने दिए। नागपुर में विभिन्न संगठनों की महिलाओं ने गडकरी को नवरात्रि गतिविधियों के लिए आमंत्रित किया गया था। कई लोगों ने चिकित्सा सहायता के लिए भी आवेदन किया। कोई इलाज के लिए सहयोग की गुहार लगाता है तो कोई दवा के लिए। इस संबंध में तत्काल मदद करने के निर्देश गडकरी ने उपस्थित अधिकारियों को दिए। कई लोगों ने अपनी किताबें प्रकाशित नहीं की हैं। गडकरी से मुलाकात की गई और उनसे इस प्रकार प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।